अमरावती में सुप्रिया सुले दर्शन करने के लिए अंबा देवी और एकवीरा देवी के मंदिर पहुंची। उन्होंने कहा कि मैं मंदिर में कुछ मांगने नहीं बल्कि आभार व्यक्त करने जाती हूं, और साथ ही बीजेपी के दावे पर आलोचना करते हुए अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं तो मैं उनके फैसले का स्वागत करती हूँ। अगर बेरोजगारों को रोजगार मिलता है तो मैं निश्चित रूप से खुश हूँ। मैं इन परिवर्तनों के बारे में कुछ नहीं जानती और न मेरे पास कोई अधिकार है। मैं एक संगठन में काम करती हूँ। एक सांसद के रूप में मुझे व्यक्तिगत मत का बहुत कम अधिकार है। मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। बीजेपी ने दावा किया था कि विधान परिषद के बाद सरकार गिरेगी, जिसकी आलोचना करते हुए सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि पिछले 2.5 साल से इसी प्रकार तारीख पे तारीख दी जा रही है। अभी एक और तारीख दी गई। राष्ट्रवादी संजय राउत से बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बल्कि कल ही संजय राउत और देवेंद्र भुयार की मुलाकात हुई थी। स्वागतच करीन जर या भारतातल्या देशाला नवीन पिढीला जर नोकऱ्या मिळणार असतील अर्थातच त्याचं मी मनापासून स्वागतच करणार। मी ऐकलेलं नाही त्याच्यामुळे मला माहिती नाही याच्याबद्दल काहीच। माझा वैयक्तिक मताचा मला अधिकारच नाही, कारण का मी एका संघटनेत काम करते आणि मी एक खासदार आहे, त्याच्यामुळे मला वैयक्तिक मताचा फार कमी अधिकार असतो। मी काँग्रेस पक्षाचे मनपूर्वक आभार मानते की ते असं बोलले असतील। दडपशाहीचं सरकार आहे, त्याच्यामुळे जे विरोधात बोलतात त्यांना नोटीस येते। आपण गेले अनेक वर्ष पाहताय, डेटा स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। अजिबात नाही। तुम्ही काल टीव्ही नाही पाहिला का? तुम्ही बातम्या नाही फॉलो करत? मग कालच आदरणीय संजय रावजी आणि आमचे बंधू त्या दोघांची भेट झाली। खूप सुंदर फोटो चॅनल्सवरच आले, तुमची न्यूज मिस झाली असेल कदाचित। मी नाही ऐकलेलं, पण कालचे आदरणीय पवार साहेबांचे आणि त्यांचे फोटो, संजय राऊतांचे आणि त्यांचे फोटो, खूप छान फोटो सगळ्यांचेच मी पाहिले। त्याच्या मी वास्तवतेत राहते। आय एम नॉट अ प्रिझनर ऑफ द पास्ट अँड हिस्ट्री।